हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बिज एनलिस्ट योर टैलियन मोबाइल एप्लीकेशन दिस वीडियो आई क्विकली गो थ्रू ऑल द फीचर्स ऑफ आर एप्लीकेशन सो दैट यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस ऐप एंड इम्प्रूव योर बिजनेस सो वंस यू ओपन अप द एप सबसे पहले जो आपको हाई लेवल पे डिटेल्स दिखती है वो है आपका डैशबोर्ड जिसमें आपके की नंबर्स विच आई योर सेल्स परचेस रिसीट पेमेंट आपके आउटस्टैंडिंग रिसिवेबल पेबल कैश बैंक बैलेंस एंड आपके सभी ऑर्डर्स यहीं पे आपको मिल जाएंगे सो इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर या सेल्स पर्सन हो आपके लेवल पे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट नंबर्स है आपको यहीं पे डायरेक्टली मिल जाएंगे और मुझे जो भी टाइम पीरियड का डेटा देखना है मैं यहीं पर सिलेक्ट करके देख सकता हूँ सो so अगर मुझे लास्ट मंथ का देखना था कितना सेल्स हुआ है या कितने मेरे हाई लेवल नंबर्स है सब यहीं पर मिल गए अगर मैं लेफ्ट एरो क्लिक करता हूँ तो आई कैन जस्ट स्क्रोल मंथ ओवर मंथ तो मैं इजीली अपने नंबर्स कंपेयर भी कर पाऊँगा अगर मुझे क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी कंपेयर करना है तो मैंने यहाँ दिस क्वार्टर सिलेक्ट किया एंड आई कैन जस्ट मूव क्वार्टर ओवर क्वार्टर लेट्स से आई जस्ट डू दिस ईयर फॉर नाउ ओके नाउ अगर मुझे अपने सेल्स की डिटेल्स जाननी है तो मैं जस्ट सेल्स पर क्लिक करूँगा तो एट अ वेरी हाई लेवल मुझे अपना टोटल सेल्स दिख गया जो है ट्वेंटी वन लैक्स एटी सिक्स थाउजेंड सिक्सटी रुपीज़ मेरा टोटल क्रेडिट नोट है फाइव थाउजेंड वन ट्वेंटी नाइन रुपीज़ का और जो डिफरेंस बनता है वो है ट्वेंटी वन लैक्स एटी थाउजेंड नाइन थर्टी वन मेरा सेल्स टेंड फॉर द लास्ट ट्वेल्व मंथ्स ग्राफिकली यहाँ पर मुझे मिल जाता है एंड बाय कस्टमर मेरा कितना सेल्स हो रहा है यहाँ पे मैं उसे शॉर्ट भी कर सकता हूँ बाय नेम और अमाउंट ओके okay? सो नाउ लेट्स इफ आई क्लिक ऑन एयर केमिकल्स मेरा जो कस्टमर है मुझे उसके सारे बिल्स जो मैंने बनाए हैं वो सभी मुझे यहीं पे मिल गए इफ आई क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर बिल मुझे वो बिल की कंप्लीट डिटेल्स यहीं पे मिल गई तो अगर मुझे ये शेयर करना है मैंने यहीं से पी बनाया एंड मैं डरेक्टली इसे शेयर कर सकता हूँ वाया व्हाट्सएप ई मेल अगर आपको एक पीडीएफ प्रीव्यू पहले देखना है भेजने से पहले तो यहाँ पे आप जाके सेटिंग्स में जाके शेयर में जाके पीडीएफ प्रीव्यू ऑन कर दीजिए तो आपको भेजने से पहले आपको प्रीव्यू भी मिल जाएगा सो लेट मी गो बैक अगेन मैंने केमिकल्स पे क्लिक किया इनवॉइस पे क्लिक किया एंड यहाँ पे शेयर पे क्लिक किया पीडीएफ बनाया जैसे कि आप देख रहे हो दिस कॉपी लुक्स एग्जैक्टली लाइक हाउ यू गेट इट फ्रॉम टैली टैली के डिफ़ॉल्ट वर्जन में जो भी इन की कॉपी बनती है सेम यहीं पर बन बन जाएगी और आप इजीली अपने कस्टमर को भेज पाओगे सो so, अगर आपका कस्टमर बोलता है कि मुझे इन्वाइस नहीं मिला तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू जस्ट सेंड इट टू द कस्टमर डायरेक्टली फ्रॉम ह्योर और यहाँ पे इन्वाइस में आपके सभी डिटेल्स आपकी आइटम क्वांटिटी, रेट एच एस आपका टोटल टैक्स uh, कितना हुआ नरेशन शिपिंग डिटेल्स टर्म्स सभी चीज़ें यहीं पर आपको मिल जाएगी गो बैक यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आई बटन है शो इफ आई क्लिक ऑन एट अपने टैली में जो भी मास्टर में इंफॉर्मेशन सेव की होगी वो सभी मुझे यहीं पे मिल जाएगी अगर मुझे कस्टमर को कॉल भी करना है मैंने जस्ट इस पर क्लिक किया एंड आई कैन कॉल द कस्टमर यहाँ पे मुझे पार्टी के लेजर रिपोर्ट भी मिल जाएगी सो तो मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या था मेरे सभी ट्रांजैक्शंस क्या है और मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या है सो तो अगर मुझे कस्टमर को अपना लेजर रिपोर्ट भी भेजना है तो मैं यहीं से मैंने पी बनाया और मैं शेयर कर सकता हूँ आया व्हाट्सएप ई मेल एक्सेट्रा तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू सेंड लेजर रिपोर्ट टू द कस्टमर एज वेल एंड वन अदर फीचर दैट वी हैव डेवलप्ड विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स वेन इट कम्स टू डूइंग सेल्स एनालिसिस ये फीचर टैली में भी नहीं है तो स्पेशली हमने ये बनाया था फॉर ऑल द कस्टमर्स वेयर यू कैन एनालाइज सेल्स इन मल्टी डिमेंशन सो फॉर एग्जाम्पल मुझे सेल्स देखना है बाई लेजर ग्रुप तो मेरे डेटस आ गए वे डेटस के अंदर मैंने तीन सेल्स पर्सन बना के रखे हैं सेल्स पर्सन ए बी एंड डी अभी मुझे जानना है कि ये सेल्स पर्सन ए ने कौन सा स्टॉक ग्रुप सबसे ज़्यादा बेचा है तो मैंने स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ शॉटिंग कर ली तो मुझे पता चल गया कि सेल्स पर्सन ए ने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक ग्रुप सबसे ज़्यादा बेचा हुआ है ना विद इन दिस इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे जानना है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक ग्रुप में कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा बेची है तो मुझे पता चल गया कि उसने पंच कार्ड रीडर सबसे ज़्यादा बेचा हुआ है ना विद इन दिस पंच कार्ड रीडर मुझे जानना है कि उसने मंथ वाइज क्या क्या सेल किया है तो मुझे उसकी परफॉर्मेंस मिल गई सो so, जैसे कि आप देख सकते हो यू कैन डू एनी पॉम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिसिस हियर मैंने सेल्स लेजर ग्रुप से चालू किया था आई कैन स्टार्ट विथ स्टॉक आइटम ना विद इन दिस अमेज़ोन किंडल मैं जान सकता हूँ कि ये आइटम कौन से कस्टमर को दी है या कौन से सेल्स पर्सन से ने सबसे ज़्यादा बेची है तो वो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा ओके डू लेजर ग्रुप यहाँ पे मैं विद टैक्स और विदाउट टैक्स भी देख सकता हूँ तो अगर मैंने नेट सिलेक्ट किया तो मेरा टोटल सेल्स कितना है विदाउट जीएसटी वो भी मुझे यहीं पे पता चल गया सो दिस एट अ वेरी हाई लेवल आपको आपका पूरा सेल्स एनालिसिस यहाँ पे मिल जाएगा uh, अगर आप टैली से एक्सपोर्ट करके एक्सेल में एनालिसिस करते हो तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सभी एनालिसिस आपकी यहीं पर हो जाएगी नेक्स्ट इज़ योर रिसीट सो बाय कस्टमर आपको कितने पैसे मिले आपके कस्टमर से ये कस्टमर पे सिलेक्ट करने के बाद उसकी जितने भी हमने वाउचर बना है वो यहीं पे मिल गए इफ़ आई क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर वाउचर तो कौन से बिल के अगेंस्ट मैंने उससे पैसे कलेक्ट किए मैंने कहाँ डिपॉजिट किए वो सभी चीज़ें यहीं पे मुझे मिल गई अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट की है तो कौन से बैंक पे मैंने की है उसकी चेक डेट क्या थी अगर बैंक डेट है तो वो भी यहीं पर सब मुझे डिटेल्स मिल जाएगी नेक्स्ट आपका है आउटस्टैंडिंग which is very important for all the customers so if i click on receivable mera outstanding aging wise kya hai so ye jo graphically aapko dikh raha hai 0 to 30 30 to 60 60 to 90 and so on aapka outstanding kya hai by customer kitna outstanding hai so for example uh, agar main autozone ki baat karu तो मैंने tally में set किया हुआ है कि उनका credit है सिक्सटी है साढ़े तीन लाख क्रेडिट अमाउंट हमने सेट किया हुआ है करंट आउटस्टैंडिंग है उनका टू लैक एटी फाइव थाउजेंड सिक्स सेवेंटी सिक्स एंड वो एवरेज मुझे थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी एट डेज़ में पेमेंट करता है सो so, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा कि कस्टमर आपको एवरेज कितने दिन में पैसा भरता है अगर मुझे कस्टमर का आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना है सो लेट से मैंने अमेजोन सेलेक्ट किया मुझे उसके दो बिल वाइज मिल गए कि बिल वाइज मेरा आउटस्टैंडिंग क्या है तो ये दो बिल के पैसे बाकी है मुझे उनको रिमाइंडर भेजना है मैंने समझो उसको मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजना है मैंने टेक्स्ट मैसेज सिलेक्ट किया मैंने व्हाट्सएप सेलेक्ट किया और इससे मुझे इनको भेजना है तो मैंने उनको भेज दिया एंड दिस इज़ दैट इजी फॉर यू टू सेंड एन आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर टू द कस्टमर एंड ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स फिलअप हो जाती है तो आपको कुछ टाइप भी करने की ज़रूरत नहीं है आप दिस इज अ रिमाइंडर योर अकाउंट बैलेंस इज सो एंड सो एज़ ऑफ दिस डेट आपकी दो जो बिल है उसकी डिटेल्स आ गई रिगार्ड्स आपकी कंपनी के डिटेल्स आ गई सो इट्स दैट ईजी टू सेंड आउटस्टेंडिंग रिमाइंडर ऑन द गो नेक्स्ट इज अगर मुझे देखना है कि मेरे वन एटी डेज़ के ऊपर किसका पेमेंट बाकी है तो वो भी चीज़ें मुझे यहीं पर मिल गई या वन ट्वेंटी डेज के ऊपर किसके किसका पेमेंट बाकी है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल गई विद इन दैट मुझे जानना है कि लेजर ग्रुप पर इस फिल्टर करना है कि मुझे सेल्स पर्सन ए का कितना आउटस्टेंडिंग है तो वो भी मुझे यहीं पर मिल गया या बी का कितना है वो यहाँ पर मिल गया तो वेरी ईजी टू फाइंड आउट अगेन इन मल्टीपल वेज एजिंग वाइज आपका आउटस्टैंडिंग क्या है सेल्स पर्सन वाइज आपका आउटस्टैंडिंग क्या है अगर आपको सेल्स पर्सन को वो रिपोर्ट सेंड करना है कि आपका ये कस्टमर्स का हंड्रेड ट्वेंटी डेज से आउटस्टैंडिंग बाकी हुआ बाकी है आप डायरेक्टली पी डी एफ बनाइए अपने सेल्स पर्सन को भेज दीजिए सो दैट्स दैट्स दैट ईजी नेक्स्ट फॉर योर कैश फ्लो मैनेजमेंट आपको जानना है कि आपका कैश बैंक बैलेंस कितना है नाउ टोटल कैश कितना है टोटल बैंक बैलेंस कितना है नाउ विद इन दिस बैंक बैलेंस हर एक बैंक का ब्रेकअप आ गया विद इन दिस बैंक आपका ओपनिंग बैलेंस क्या था <coughs> आपका ट्रांजेक्शन क्या थे और आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है और अगर आप नोटिस करेंगे तो पूरे ऐप में हमने कहीं पे भी डेबिट क्रेडिट मेंशन नहीं किया हुआ है एवरीथिंग इज प्लस माइनस रेड या ग्रीन कलर फॉर्मेट में सो so, यहाँ आप देखेंगे आपने पेमेंट किया तो माइनस दस हज़ार हुआ जो रेड कलर में है मैंने रिसीट की एंट्री डाली है तो वो ग्रीन में है प्लस में है सो इट्स दैट इजी फॉर एनी अगर आपको टैली नहीं भी आता है अकाउंटिंग नॉलेज नहीं भी है फिर भी आपको ये एप्लीकेशन एकदम आसानी से समझ जाएगा एंड वन थिंग दैट वी हैव डन इन प्री मच ऑल द स्क्रीन्स अगर आपको फ्यूचर में भी कभी भी कोई भी फीचर के बारे में जानना है जस्ट क्लिक ऑन दिस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे एक ट्यूटोरियल वीडियो है तो हर एक स्क्रीन के अंदर अपना एक ट्यूटोरियल वीडियो है जो आपको पूरे फीचर समझा देगा सो so, सेज के अंदर सेज का ट्यूटोरियल वीडियो है आउटसेंडी के अंदर आउटसेंडी का ट्यूटोरियल वीडियो है एंड सो ऑन एंड यहाँ पर आप हेल्प या सर्च में भी जाके यू कैन सर्च फॉर एनी थिंग एवरी थिंग एवरी स्क्रीन इज डॉक्यूमेंटेड विथ स्क्रीन शॉट तो आपको कभी भी फ्यूचर में कुछ भी क्वेश्चन हो यू कैन ऑलवेज गो दै ओके नेक्स्ट सो ये जैसे था ये आपका डैशबोर्ड uh, था नेक्स्ट इज योर पार्टी क्लिक किया मुझे मेरे सभी डेटस एंड क्रेडिट्स मिल जाएंगे कस्टमर्स इन सप्लायर्स सो लेट्स आई क्लिक ऑन एमिकल जो मेरा कस्टमर है एंड मैं आई एम प्लानिंग टू विजिट एट कस्टमर तो मुझे वो कस्टमर की सभी हाई लेवल डिटेल्स मिल जाएगी कि मेरा लास्ट सेल कब था लास्ट रिसीट कब हुआ था कितने बिल बने एवरेज बिल अमाउंट क्या है कितने दिन में पैसा भरता हुआ मुझे मंथवाइज सेल्स क्या हो रहा है मेरा मंथवाइज़ रिसीट क्या है उसका करंट आउटस्टेंडिंग क्या है एंड पेंडिंग ऑर्डर क्या है तो दिस इज़ जस्ट द हाई लेवल समरी कि ये कस्टमर को मिलने के पहले मुझे उसके ट्रेंड पता चल गई सोल्ड में अगर आप क्लिक करोगे तो ये कस्टमर को मैं कौन सी कौन सी आइटम बेचता हूँ लास्ट मैंने कब बेची थी कौन से रेट पे बेची थी अब तक कितनी क्वांटिटी बेच चुका हूँ तो वो सब चीज़ें यहीं पे मुझे मिल जाएगी इफ़ेक्ट क्लिक ऑन परचेस अगर मैंने उनसे कुछ परचेस की है तो वो चीज़ें भी मुझे यहीं पर मिल जाएगी नेक्स्ट एट अइटम लेवल मेरा टोटल स्टॉक कितना है मेरा आइटम वाइज स्टॉक कितना है सो फॉर एग्जांपल अमेजॉन कैंडल मेरे पास थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन क्वान्टिटी पड़ी है स्टॉक में वर्थ एटी थ्री थाउजेंड टू सिक्सटी थ्री रुपीज़ मेरा एवरेज परचेस क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड प्राइस री ऑर्डर लेवल मिनिमम ऑर्डर लेवल जो भी चीज़ें मैंने टैली में सेट की है वो सभी चीज़ें यहीं पर मुझे मिल जाएगी सो so, अगर आपका कस्टमर आपको कॉल कर रहा है आपको प्राइस देना है यू कैन जस्ट सर्च फॉर दैट आइटम एंड इट्स दैट इजी फॉर यू टू जस्ट गिव दैम द कोटेशन नाउ लेट्स इफ क्लिक ऑन अमेजॉन कैंडल ये आइटम की मुझे अगर बैच वाइज गोडाउन वाइज स्टॉक चाहिए तो मैंने जैसे इन्वेंट्री क्लोजिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे मिल गया कि मेरे मुंबई गोडाउन में ये दो बैच है जिसमें जितना मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है मैंने अगर टैली में प्राइसिस सेट की है तो यहाँ पर मुझे पूरी प्राइस प्राइस लिस्ट भी मिल जाएगी एंड ये आइटम की पूरी सेल समरी कि ये आइटम का मेरा नेट सेल्स कितना हुआ है लास्ट कब मैंने सेल किया था कितनी क्वांटिटी सेल की है लास्ट प्राइस क्या था जब मैंने सेल किया था मिनिमम मैक्सिमम रेट क्या था जो मैंने सेल किया, कि किया हुआ है कितनी बार मैंने सेल किया हुआ है एंड यहाँ पे अगर आप ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो मैंने जितनी भी बार सेल किया है वो कौन से कौन से प्राइस पे सेल किया है तो उसका पूरा ट्रेंड आपको यहीं पे मिल जाएगा ना परचेस समरी में सिमिलरली आपके टोटल परचेसेस कितने हुए हैं प्राइस क्वांटिटी एवरीथिंग मंथ वाइज सेल्स क्या हो रहा है मंथ वाइज परचेस क्या हो रहा है ये आइटम का और आपका एच कोड क्या है ये आइटम मैंने कौन से कौन से कस्टमर को सेल किया हुआ है लास्ट कब किया था कौन से रेट पे किया था कितनी क्वांटिटी सेल की हुई है एंड कौन से कौन से सप्लाई से मैंने ये आइटम परचेज़ किया तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएगी और ये पार्टी का भी रिपोर्ट आपको यहीं पे मिल जाएगा कि मेरा ओपनिंग स्टॉक क्या था मेरे जितने भी ट्रांजेक्शनस हुए एंड मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या है ये आइटम का एंड यू कैन ऑल्सो ड्रिल डाउन बाई ग्रुप जो अगर टैली में स्टॉक ग्रुप अपने क्रिएट किए हुए हैं तो आप ड्रिल डाउन कर सकते हो ऑल द वे टू द आइटम लेवल या कैटेगरी वाइज भी आपने बनाए हैं तो आप वैसे भी ड्रिल डाउन कर सकते हो एंड एट एन आइटम लेवल और अ ग्रूप लेवल यू कैन ऑल्सो फिल्टर के मुझे जानना है कि कौन सी आइटम मेरी स्टॉक में नहीं है तो वो ही आ गई यहाँ पे या कौन सी आइटम बिलो री ऑर्डर लेवल है वो आपको यहाँ पे मिल गई तो दैट्स इजी फॉर यू टू फिल्टर दैट आउट और अगर आपको रिपोर्ट भी आपका किसी कस्टमर या डीलर को भेजना है कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है यू कैन जस्ट सेंड इट टू फ्राम येस्वेंट नेक्स्ट आई यो रिपोर्ट्स जो माई एंट्रीज है आई एल गो थ्रू इट एट दी एंड सबसे पहले आपके एक्सपेंसिस सो so, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट डरेक्ट एक्सपेंसिस क्या है और डायरेक्ट के अंदर जितने भी आपके लेजर या लेजर ग्रुप है वो उस ब्रेकअप आ जाएगा एंड ऑल द वे टू द वाउचर लेवल नेक्स्ट है टॉप रिपोर्ट सो so, मेरे टॉप कस्टमर्स सप्लायर्स आइटम्स वो आइटम पर्चे कौन से है वो चीज़ें यहीं पे मुझे मिल गई जो यहाँ पे जानना है मेरे टॉप फाइव टॉप टेन टॉप थर्टी कौन से है वो यहाँ पे मुझे मिल गया एंड जैसे टैली में आपको हर एक स्क्रीन में एक टाइम पीरियड सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे भी सिमिलर है यू कैन सिलेक्ट टाइम पीरियड फॉर इन प्री मच ऑल द स्क्रीन एज वेल नेक्स्ट जो हमारे दो रिपोर्ट्स है हैव बीन द मोस्ट यूज एंड द मोस्ट लाइक रिपोर्ट सो फार इनएक्टिव कस्टमर्स एंड इनएक्टिव आइटम्स हम काफ़ी बार बिज़नेस ग्रो करने के लिए नए नए कस्टमर्स ढूंढते रहते हैं बट पुराने कस्टमर्स भी काफ़ी ऐसे हैं जो हमसे छूट जाते हैं सो दिस रिपोर्ट हेल्प्स यू टू फाइंड आउट ऑल द कस्टमर्स जिन्होंने आपसे पहले बिजनेस किया हुआ था पर लास्ट इन्हों सिक्सटी नाइन्टी डेज से कुछ परचेस नहीं किया हुआ है सो so यहाँ पे आई कैन जस्ट फिल्टर के मेरे कौन से कस्टमर हैं जिन्होंने सिक्सटी डेज से मेरे से परचेज नहीं किया है या थर्टी डेज से नहीं किया हुआ है सो फॉर एग्जाम्पल ए केमिकल्स नाउ आइक दिस एनालॉसिसिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के क्या ट्रेंड था उन्होंने अप्रैल से अगस्त तक लिया था फिर लास्ट थर्टी डेज़ में कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ है कौन सी कौन सी आइटम परचेज़ की थी कौन सी आइटम ऐसी है जो उन्होंने सबसे ज़्यादा परचेज़ की थी तो आईफोन फाइव है जो सिक्सटी क्वान्टिटी उन्होंने सबसे ज़्यादा परचेज़ की थी तो यहाँ से मैं उनको एक ईजिली एक रिपोर्ट भेज सकता हूँ कि आपने ये सब चीज़ें हम परचेज़ की थी ये क्वान्टिटी थी ये रेट था एक्सक्यूज़मी <coughs> और लास्ट ये डेट पर आपने परचेज़ की थी तो हमें क्यों इसका ऑर्डर नहीं आ रहा है वापस सो so, एक एंगेजमेंट लेवल वापस आप स्टार्ट कर सकते हो कस्टमर के साथ विद दिस रिपोर्ट यहाँ पे आप वो भी फ़िल्टर कर सकते हो कि सेल्स पर्सन एक ही कितने इनएक्टिव है सो so, जैसे कि आप देख रहे हो इन दिस एग्जाम्पल सेल्स पर्सन एक नाइनटीन कस्टमर्स ट्वेंटी फाइव ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इज कस्टमर्स आर इनएक्टिव सिंस थर्टी डेज सो गिव्स अ गुड एनालिसिस ऑफ हाउ योर सेल्स पर्सन परफॉर्मिंग उसके एरिया में कितना इनएक्टिव कितना एक्टिव कस्टमर्स है उसके सिमिलरली ऑन दी आइटम्स आईट मुझे जानना है कि कौन से आइटम ऐसे है जो स्टॉक में है और मैंने लास्ट सिक्सटी डेज से सेल नहीं किया हुआ है सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस मेरे आई हैव एट आइटम्स ऑलमोस्ट एटीन परसेंट ऑफ माई आइटम्स व थ्री लैख एटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ जो मेरे इनएक्टिवेस इन सिक्सटी डेज सो इफ़ आई नाउ क्लिक ऑन डेल मोनिटर आई कैन ईजीली फाइंड आउट कि इसका मंथवाइज में सेल क्या कर रहा था कौन से कौन से कस्टमर ने लिया हुआ था मे से पहले so if i click on sorting it by high to low i can find out ke acha अच्छा, philips private limited ne mai se 40 pehle purchase kiya hua tha now i only have 7 in stock jo mera inactive hai so i can approach this customers again to see ke isme se kaun customer hai kaun sa customer hai jo mere se ye stock wapas purchase kar sakta hai ya कोई supplier है जिसको मैं ये माल return कर saku and next are all the things that you might need on a day to day basis सो so, आपका ये लेजर रिपोर्ट का शॉर्टकट हो गया सो so, अगर किसी कस्टमर को आपको लेजर रिपोर्ट भेजना है आप यहीं से डायरेक्टली भेज सकते हो या यहाँ से आपको किसी पर्टिकुलर ग्रुप का फिल्ट्रेशन चाहिए तो यहाँ पे मिल गया मुझे अगर मेरे एक्सपेंसेस के जितने भी है वो देखने हैं लेजर्स तो वो यहाँ पर मुझे फ़िल्टर भी कर सकता हूँ एंड हर एक लेजर रिपोर्ट में हमने एक सेटिंग भी दी हुई है सो वैन यू सेंड अ लेजर रिपोर्ट आपको मैं क्या करना है नहीं करना है दैट यू कैन डू इट डायरेक्टली फ्रॉम ह्यर नेक्स्ट इज़ योर डे बुक विच इज़ आई थिंक इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉड ऑफ पीपल दे लुकेटेड ऑन डे टू डे बेसिस सो अगर मुझे समझो दिस ईयर का मैंने फ़िल्टर कर दिया तो मेरे ये ईयर में मैंने टैली में जितने भी एंट्रीज की हुई है सभी यहाँ पर मुझे मिल गई मुझे फ़िल्टर करना है बाई वाउचर टाइप वो भी मैं कर सकता हूँ सोलैट so, से मैंने सेल्स वाउचर टाइप से फिल्टर किया तो मुझे सभी मेरे सेल्स के वाउचर्स यहीं पर मिल गए एंड आई कैन सर्च प्री मच इन एनी एनी पॉसिबल वे सो मुझे अगर हिंदुस्तान लिवर का सब वाउचर्स ढूंढने हैं तो वो यहाँ पे मुझे मिल गए या मुझे अमाउंट वाइज सर्च करना है कि थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्स की एंट्री हुई थी कि नहीं हुई थी वो मुझे यहाँ पे मिल गया या बिल नंबर वन सेवेंटी सेवन सर्च करना है तो वो यहाँ पे मुझे मिल गया तो अमाउंट वाइज भी है वो भी आ जाएगा अगर वन सेवेंटी सेवन मैच हो रहा है तो तो जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है इट दैट ईजी फॉर यू टू सर्च इट हेयर एज वेल नेक्स्ट अगर आप टैली में सेल्स ऑर्डर मेंटेन करते हो डिलीवरी नोट मेंटेन करते हो तो आपके लिए पेंडिंग सेल्स ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा सो बाई कस्टमर आपके कौन से ऑर्डर पेंडिंग है विद इन दिस कस्टमर कौन से ऑर्डर का पेंडिंग है ना विद इन दिस ऑर्डर कौन से आइटम का क्वान्टिटी पेंडिंग है सो ऑल द वे टू द वाउचर लेवल आप ड्रिल डाउन कर सकते हो एंड नेक्स्ट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस सो इफ आई डू दिस यूर सो आपका पी एन एल क्या है आपका सेल्स परचेज एक्सपेंसिस direct indirect income and all the way to the net profit level. The only thing we have not added here is your opening and closing stock. We are still working on it. आह, uh, so वो हमने यहाँ पे adding kiya hua hai but without that you can still view your pnl And next हम जिसपे काम कर रहे हैं lot of the customers have requested us for data entry तो वो चीजें हम यहाँ पे बना रहे हैं सो so, अभी जो हमने अब तक काम किया हुआ है जिसमें यू कैन क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर परचेस ऑर्डर कोटेशन एंड रिसीट एंट्री फ्रॉम द मोबाइल फोन बट ये टैली में नहीं जाएगी ये आपके अकाउंटेंट या जो भी आपने ईमेल कॉन्फिगर किया है उनको ई चला जाएगा एंड दैट पर्सन कैन देन मेक दैट एंट्री इन टैली हमारा काम बैक एंड पे चल रहा है जिससे ये इंटीग्रेशन टैली में डायरेक्टली हो जाए ओके सो नाउ लेट्स से इफ़ आई क्लिक ऑन सेल्स ऑर्डर मुझे एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है मुझे पहले एक ईमेल कॉन्फिगर करना पड़ेगा इन दिस केस मैंने ऑलरेडी ईमेल कॉन्फिगर किया हुआ है मैं ख़ुद को ईमेल मेल करूंगा अगर से मुझे एक नया सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है तो मैंने कस्टमर का नाम सेलेक्ट किया एकेमिकल्स केमिकल्स मैंने ऑर्डर नंबर डाल दिया वन टू थ्री फोर कब ड्यू है ट्वेंटी तो मुझे आइटम्स ऐड करनी है तो ये आइटम अगर कितना स्टॉक है वो यहाँ पे मिल गया डिस्क्रिप्शन अगर कुछ डालना है क्वान्टिटी मेरा रेट ऑटोमेटिकली पिकअप हो गया आई कैन स्टिल चेंज द रेट एज वेल डिस्काउंट मैंने टेन परसेंट दे दिया एंड दैट्स एम डन मुझे एक ही आइटम ऐड करनी है और नरेशन करना है कैश ऑन डिलीवरी। लेट्स एट सेफ सो दैट्स इट दैट इज दैट इजी टू क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर मेरे अकाउंटेंट को एक ईमेल आ गया रहेगा या मेरे इन दिस केस मुझे खुद को ई आ गया रहेगा दैट अ सेल्स ऑर्डर हैज़ बिन क्रिएटेड एंड आई कैन मेक दैट एंटर इन टैली अगर मुझे कस्टमर को सामने ये शेयर भी करना है आई कैन जस्ट क्लिक ऑन शेयर मैंने पी बनाया और ये सेल्स ऑर्डर मैंने कस्टमर को भेज दिया सो वेरी इजी टू सेंड समथिंग टू द कस्टमर एज वेल एंड वंस वी आर डन विथ इंटीग्रेशन विद टैली तो वो एंट्री टैली में भी चली जाएगी की नेक्स्ट मीनू क्लिक ऑन द मैन्यू आप तैली में जितनी भी कंपनीज आपकी है आप सभी कंपनी यहीं पे देख सकते हो एंड हर एक कंपनी के अंदर आई कैन क्रिएट माई यूजर्स सो लेट्स आई क्लिक ऑन यूजर्स दिस इज़ बीन द रिक्वायरमेंट फॉर मोस्ट ऑफ़ द कंपनी जिनकी सेल्स टीम है जिनको उनको लिमिटेड एक्सेस देना है ओके okay? सो so मैंने अगर मुझे किसी को ऐड करना है एज अर मैंने यहाँ पर उनका खाली नाम डालना है उनका ई मेल डालना है एंड आई एडिम एज यूजर और मुझे इन दिस केस मैंने एक अंकुर करके हैं उनको ऐड किया हुआ है तो मुझे उनको क्या परमिशन देनी है अगर मैं उनको एडमिन बनाऊंगा तो उनको मेरे कंपनी की सारी डेटा उनको दिख जाएगी वलट से मुझे उनको एडमिन नहीं बनाना है अंकुर इज़ वन ऑफ माई सेल्स पर्सन और मुझे उसको लिमिटेड एक्सेस देना है चलत तो से अगर मुझे लेजर ग्रुप से परमिशन देनी है एक्सक्यूज मी इफ अंकुर इज माई सेल्स पर्सन ए तो मैंने उनको सेल्स पर्सन ए की परमिशन दी सेव कर दी तो अंकुर को अभी उसी के कस्टमर्स का सेल्स रिसीड एंड आउटस्टैंडिंग दिखेगा उसको पूरे कंपनी की डिटर्न नहीं दिखेगी एंड एट द सेम टाइम उसको परचेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी कुछ नहीं दिखेगी बिकॉज ही हैज़ ओनली परमिशन ऑफ सेल्स पर्सन ए जो एक लेजर ग्रुप है सन्टी डेटस के अंदर सिमिलरली अगर मुझे उसको किसी आइटम का या ग्रुप का स्टॉक नहीं दिखाना है तो मैं यहाँ से भी उनको ब्लॉक कर सकता हूँ अगर मैंने उनको खाली मोबाइल स्टॉक ग्रुप का परमिशन दिया तो उसको खाली मोबाइल स्टॉक ग्रुप के अंदर जो भी आइटम्स है उसी के ट्रांजेक्शन दिखेंगे उसी के सेल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा पट्स आई गिव हिम ऑल द स्टॉक ग्रुप एक्सेस वाउचर टाइप वाइज भी आप अपने यूज़र को ब्लॉक कर सकते हो बट इन दिस केस अगर आपने समझो खाली सेल्स वाउचर टाइप का परमिशन दिया तो उसको बाकी के जितने भी वाउचर टाइप्स है उसकी डिटेल्स नहीं देख पाएगा उनको वाउचर नंबर और अमाउंट दिखेगा बट उसके क्लिक करने पे जो वाउचर लेवल इंफॉर्मेशन है वो उनको नहीं मिलेगी एंड फाइनली इफ आई डोंट वांट अंकुर टू शेयर एनी रिपोर्ट मैं यहाँ से उनको एक्सेस हटा दूंगा अंकुर कैन स्टिल सेंड आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर लेजर रिपोर्ट एंड इन कॉपी टू द कस्टमर्स क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं जो एज अ सेल्स पर्सन ही वुड नीड टू सेंड इट टू हिज कस्टमर्स बट बाकी की कोई भी रिपोर्ट है वेदर इट इज़ स्टॉक रिपोर्ट सेल्स रिपोर्ट टॉप कस्टमर्स एक्सेट्रा उसे नहीं सेंड कर पाएगा एंड क्योंकि अंकुर एक्डमिन नहीं है एक्सक्यूज नहीं क्योंकि अंकुर एक्डमिन नहीं है वो और भी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं देख पाएगा जैसे कि आपका कैश बैंक बैलेंस आपके एक्सपेंसिस आपका पी एन एल अंकुर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाएगा क्योंकि बिकॉज ही इज़ नॉट एन एडमिन और कल उठ के अगर अंकुर जॉब छोड़ के जाता है आई कैन डिलीट इम एज ए यूजर एंड द मोमेंट आई डिलीट इम है उसके फोन से ऑन द स्पॉट पूरा डेटा वाइप ऑफ हो जाएगा सो ऑल द कंट्रोल ऑफ द यूज़र इज डिरेक्टली विद द एडमिन एज एन ओनर आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप कौन से यूज़र को क्या दिखाना है कितना दिखाना है उसको कब डिलीट करना है एवरीथिंग इज़ विथ यू ओके एंड फाइनली देर आर सम सेटिंग्स दैट वी हैव एडेड जैसे टैली में आपको कॉन्फिग्रेशन मिलते हैं अलग अलग चीज़ों के हमने भी यहाँ पे थोड़े कॉन्फिग्रेशन सेट किए हुए हैं विच यू कैन गो थ्रू इट आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ वन और टू सो फॉर एग्जाम्पल इन वॉयस अगर आप जब इन वॉयस सेंड करते हो अपने कस्टमर को तो आपको बैचिस इंक्लूड करना है कि नहीं करना है जी एस टी का कॉलम अलग से ऐड करना है कि नहीं करना है नरेशन ऐड करना है कि नहीं करना है वाइल सेंडिंग द इन वॉयस जो डिक्लेरेशन है टर्म्स एंड कंडीशन है इन द इनवॉइस आपको चेंज करनी है तो कस्टम भी आप यहाँ से बना सकते हो आपकी बैंक अकाउंट आपको मेंशन करनी है इनवॉइस में तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो तो वो सब चीज़ें जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट आती है कस्टमर की हम एज ए कॉन्फिग्रेशन यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो दिस सो यू कैन गो थ्रू इट वेन एवर एट योर कन्वीनियंट टाइम एंड फाइनली अगर आप कंसर्ड हो कि अगर मेरा फ़ोन किसी के हाथ में लग गया तो वो मेरा डेटा दिख पाएगा ऐप ओपन करने से तो मेक श्योर यू सी यू क्रिएट अ पासपोर्ट एंड विदाउट द पासपोर्ट यू कैन डी ओपन अप द ऐप एंड अगर किसी ने आपका पासपोर्ट रॉन्ग डाला टेन टाइम्स ऑटोमेटिकली हम फोन से पूरा डेटा वाइप ऑफ कर देंगे सो टू मेक श्योर कि योर डेटा इज सिक्योर और कोई इसको हाथ ना लगा सके हमने यहाँ पर ऐसी सेटिंग रखी है कि अगर किसी ने गलत डाल दिया पासपोर्ट तो पूरा डेटा हम वाइप ऑफ कर देंगे So, this at a very very high level are all the features of our application. We keep on developing more features every week, which we will keep on sharing it with you. But if you have any more questions with regarding any of the feature of our application, like I said, you can always view the tutorial again. And if you st still have doubts beyond that, contact, contact ko and we'll be very happy to help you as well. So thank you so much once again for watching our video hope you can make the best of use of our application and uh, like i said grow your business with our application that's the main purpose why we have created this application so looking forward to having you as a customer thank you so much once again